करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप घर में सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रखेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर जब देखते हैं क्या था, लास्ट में हमने चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 3 हम कर चुके थे। क्वेश्चन 4 है आज की हमारी क्लास में। क्वेश्चन 4, राइट ई फॉर इवन एंड ओ फॉर ऑड नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए जिसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या इवन और ऑड को। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें हमें पहचानना है 12 जो है वो इवन है या ऑड नंबर है। मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी इसकी लास्ट क्लास में, बताया था कि इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है इवन और ऑड नंबर की। तो आई होप आपको पता होगा ई फॉर इवन और ओ फॉर ऑड, ई जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, इट्स 2, 4, 6, 8, और ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये 12 है इवन है या ऑड, ये इवन नंबर। 31 इवन या ऑड, ये 2 से होगा नहीं होगा, तो ये क्या है ऑड नंबर। 38 2 से डिविजिबल है इवन, और ये भी इवन। 61 ऑड नंबर है। 83 ये भी ऑड है। 99 ऑड, 2 इवन, 1 ऑड है। 107 ये भी ऑड है। 101 ऑड, 73 ये भी हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आपको लिखना और पता होना चाहिए कि इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। 2 से डिविजिबल वाले होते हैं वो हमारा इवन होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो हमारा ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में, फोर्थ क्लास में हमने ये किया था, फैक्टर ट्री बनाया था। सेम क्वेश्चन है ये। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फैक्टर ट्री बना के भी, या फिर आप एलसीएम करके भी कर सकते हैं इसको। जो आपको इजी लगे वो आप ये क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड बता देती हूँ, उसमें फैक्टर ट्री भी बता देती हूँ और एलसीएम करके भी बता देती हूँ आंसर किस तरीके से निकालना है। तो पहले मैं फैक्टर ट्री बता रही हूँ। इसको फैक्टर ट्री को किस तरीके से करते हैं, ये हमारा क्या है 120 को हम पहले किससे करेंगे, इसका हाफ करेंगे 2 से। ठीक है, 2 6 12 और 0, 260 आ गया। अब फिर हमें टेबल काउंट करनी है, 60 का हाफ करना है। 60 का हाफ कैसे होगा, 2 से करेंगे, 2 3 6। ठीक है, क्या करना है इसको, हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे फोर्थ क्लास में, आपको याद होगा फैक्टर ट्री से फैक्टर ट्री बनाया था। तो ये इसको हम एलसीएम के उससे भी कर सकते हैं, फैक्टर और फैक्टर ट्री से भी। तो मैं दोनों ही मेथड बता देती हूँ आपको, पहले मैं फैक्टर ट्री बताती हूँ। फैक्टर ट्री मेथड अगर आपको ये इजी लगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो इसका पहले हम 120 का हाफ करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 2 6 12 और 0। फिर ये 2 से आता है, 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 3 6 और 0, 30 हो गया। अब हमारे पास नया नंबर क्या हो गया, 30। अब 30 का हाफ करेंगे, 2 से ही कर लेते हैं, 2 1 2 2 5 10। अब हमारे पास क्या आ गया, 15 को हम कैसे करेंगे, 3 5 15, ये हमारा फैक्टर हो गया। 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120। ये तो आपका फैक्टर ट्री मेथड था। अब आपका जो है एलसीएम वाला जो होता है किस तरीके से करते हैं, प्राइम मेथड। ठीक है, इसको इस तरीके से एलसीएम करेंगे, 120, 2 6 12, 0, 2 3 6, 0, 2 5 2 1 2 1, इसको कैरी दे देंगे, 10 हो गए, 2 5 10, 3 5 15, और ये हमारा 5 1 5। तो इसका फैक्टर ट्री कैसे निकालेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारा 30 120 का, ये हमारा क्या हो गया, 120 का फ्रैक्शन फैक्टर हो गया। 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर
120 हो गया। या तो आप फैक्टरी से भी कर सकते हैं या ये वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। ये 120 का था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 150। पहले इसको फैक्टर ट्री से करते हैं, फैक्टर ट्री मेथड। 150 को 2 से करते हैं पहले, 2 7 सा 14, 1 कैरी इज 2 5 सा 10। अभी क्या है 2 से जाएगा ये नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 2 सा 6 1, 3 2 सा 6 1 इज 3 5 सा 15। अब क्या आ गया हमारे पास 25, 5 5 5 25 25 25 3 75 75 2 150। सेम रहेगा, या तो आप फैक्टर ट्री कर लीजिए या फिर आप एलसीएम से। 150 2 7 सा 14, 1 इधर दे 2 5 सा 10। अभी देख लो 2 से होगा नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 2 सा 6, 1 इसको कैरी देंगे 15 हो गया, 3 5 सा 15। अभी 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, तो क्या हो गया 2 into 3 into 5 into 5, 2 3 सा 6, 6 5 सा 30 और 35 सा 155, 0 0 5 3 सा 15, ये आपका आंसर आ गया 150। तो आप इन दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, इसके दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, जो भी मेथड आपको इजी लगे, सी और डी आपका होमवर्क है, ठीक है। या तो आप फैक्टर ट्री कर ले या फिर ये एलसीएम वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेथड आपको करना है सवाल। दो मैंने कर दिए, दो आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट प्राइम एंड, इसमें क्या लिखना है आपको, प्राइम और को प्राइम नंबर लिखना है, पी फॉर प्राइम सी फॉर कंपोजिट नंबर। तो क्या होता है को प्राइम, क्या होता है टू नंबर आर सेट टू बी को प्राइम इफ दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन ऑन टू नंबर हूज एलसीएफ इज वन। तो इसमें क्या है, जो जिसका एलसीएफ वन आता है, इसमें एग्जांपल क्या है, 7 एंड 10 आर को प्राइम्स है, 15 एंड 17 आर को प्राइम्स है। तो जो नंबर हमारा लिनियर आएगा वो हमारा क्या होगा, को प्राइम होगा, 7 एंड 10 15 17। इसी तरीके से हमारा प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर में क्या आता है, 3 1 टू 10 में 3 एंड 5 17 एंड 9 41 43 29 एंड 31 71 एंड 73 आर ट्वेंस प्राइम नंबर। ये क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है और ये को प्राइम होता है, जो कि इसका आंसर ए वन से होता है। तो इसमें से हमें छांट के लिखना है कि कौन सा हमारा कंपोजिट है और कौन सा प्राइम नंबर है, ये आपको डेफिनेशन कॉपी में करनी है, को प्राइम की और ट्वेंस प्राइम की, ट्वेन प्राइम की। तो 125 क्या है, कंपोजिट है प्राइम है, प्राइम में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 एंड 5 17 एंड 19 41 एंड 43। तो क्या है, ये हमारा कंपोजिट है, 19 मैंने बताया था ना, 17 एंड 19 क्या है हमारा प्राइम, पी फॉर प्राइम, 97 भी हमारा प्राइम है, 52 कंपोजिट है, 85 लास्ट में 5 जिसके हो वो हमारा कंपोजिट होगा, ये भी हमारा कंपोजिट, 101 प्राइम, ये प्राइम, 11 15 कंपोजिट, 62 कंपोजिट होगा, 91 कंपोजिट और 45 भी हमारा कंपोजिट है। ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, आज की क्लास यहीं ओवर होती है।